मुझे किसी से बैर नहीं, पर जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं। रंग दे बसंती, रंग दे, रंग दे बसंती, रंग दे, रंग दे बसंती, रंग दे। तो वह 22 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि खेसारी लाल यादव, रति पांडे और डायना खान की फिल्म रंग दे बसंती का ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म बनने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रंग दे बसंती का पावरफुल और धमाकेदार एक्शन पैक्ड ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिस ट्रेलर में इमोशन है, रोमांस है, ड्रामा है और ढेर सारा एक्शन है। हालांकि भाई फिल्म का ट्रेलर इतना पावरफुल है जिसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर खेसारी लाल एक बहुत बड़ा धमाका करेंगे। हालांकि बात करें डिटेल में, तो भाई जैसे ही रंग दे बसंती का ट्रेलर शुरू होता है, ट्रेलर में हमें धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जो कि इससे पहले भोजपुरी की किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिले। जी हां दोस्तों, ट्रेलर में जो एक्शन दिखाए हैं पूरी तरह से बॉलीवुड लेवल का है। हालांकि भाई ट्रेलर देखने के बाद कहानी का पता बिल्कुल नहीं चल रहा है कि इस फिल्म में कहानी होगा तो होगा क्या, लेकिन आप सभी को इस फिल्म में सस्पेंस तो बढ़ के मिलने वाला है। ऐसा नहीं लगने वाला है कि ये फिल्म अब मेरे को बोरिंग कर रहा है, इस फिल्म में सस्पेंस तो बढ़ के होने वाला है। पहला सस्पेंस तो यहाँ पर यही जाता है कि इस फिल्म का कहानी होगा तो होगा क्या, और दूसरा मेरे को तो यहाँ पे लगा जब खेसारी लाल रति पांडे से शादी कर लिए होते हैं तो फिर डायना खान से शादी क्यों, क्या दो शादी किए होते हैं, सस्पेंस तो भाई भर के मिलने वाला है। और तीसरा तो मेरे को यहाँ पे ये लगा जब ट्रेलर का लास्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे दो खेसारी लाल यादव को दिखाया गया है जिसमें से पहला तो जवान है, दूसरा बूढ़ा है। अब ये दोनों है कौन, क्या ये दोनों बाप बेटे हैं या फिर डबल रोल है हमशक्ल वाला, और भाई ये जानना भी सस्पेंस से कम नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ट्रेलर में यहाँ पे खेसारी लाल और रति पांडे की जो केमिस्ट्री है एज ए कपल वो भी काफी बढ़िया लग रही है, और ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है पूरी तरह से पावरफुल है। हालांकि दोस्तों इसकी जो विजुअल है पूरी तरह से ग्रैंड लेवल का है, मतलब कि मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पे ये विजुअल इतना पावरफुल लग रहे हैं, तो आप लोग सोचिए कि जब बड़े पर्दे पर एक्शन सीन्स और विजुअल को हम देखेंगे तो किस तरह की अलग ही फीलिंग आने वाली है। दोस्तों ट्रेलर की जो डायलॉग्स है वो भी पूरी तरह से घूसबम्प देने वाली है। यहाँ पे खेसारी लाल का जो स्टार्टिंग में डायलॉग्स है, मुझे किसी से बैर नहीं और जो वतन का नहीं उसकी खैर नहीं, ये डायलॉग्स भाई पूरी तरह से बवाल है। हालांकि दोस्तों पूरी ट्रेलर के अंदर खेसारी लाल माचो अवतार में जच रहे हैं, वही साड़ी में रति पांडे भी खूबसूरत लग रही है, एज ए डायना खान भी काफी बढ़िया नजर आ रही है। दोस्तों फिल्म की जो कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे खेसारी लाल के तीन लुक है। एक वाला लुक जहाँ पे भगवा कलर पहने कॉलेज में स्पीच दे रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, दूसरा लुक जहाँ पे वो आर्मी बने हुए हैं, और तीसरा लुक जहाँ पे वो बूढ़े हैं। अब इन तीनों में से कोई तो बाप बेटा होगा ही, लेकिन भाई मेरे को थोड़ा स्टोरी समझ में आया कि खेसारी लाल स्टार्टिंग में कॉलेज में हिंदुत्व के बारे में ज्ञान देते हैं, मैं हनुमान जी के भक्त हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, फिर वो जाते हैं आर्मी में मार धार करते हैं, आतंकियों को मारते हैं, उसके बाद इनको पता चलता है कि इनका बाप भी आर्मी में था और वो अभी पाकिस्तान में कैद हो रखा है, पाकिस्तानियों ने उनका बाप को कैद करके रखा है। फिर जब आर्मी खेसारी लाल को पता चलता है तो वो जाते हैं पाकिस्तान भेष बदल के, फिर वो पाकिस्तान में जाके काफी मार धार करते हैं, फिर वो अपने बाप को बचा लेते हैं और लास्ट में जाकर ये दोनों मिलकर जो है आतंकवादियों को मारते हैं। और भाई जब फिल्म में इंडिया पाकिस्तान का फाइट आ गया तो भाई फिल्म तो सही हिट है, फिल्म के स्टोरी में काफी सारे ट्विस्ट और थ्रिल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका टीजर ही इतना बवाल था, ट्रेलर उसका भी बाप है। अब देखते हैं जब ये फिल्म 22 मार्च को रिलीज होगी फिल्म में क्या क्या धमाकेदार चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये फिल्म ऑडियंस को ढेर सारा एंटरटेनमेंट देने वाली है। तो दोस्तों मुझे तो रंग दे बसंती का ट्रेलर पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का वाइब दे रहा है। बाकी दोस्तों आपको रंग दे बसंती का ये ब्लॉकबस्टर ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं, और आप सभी को रंग दे बसंती का ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सही भाइयों को जय श्री राम।